पेशेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि डॉक्टर सही सीजन क्या है ट्रांसप्लांट का, क्या मैं गर्मियों में कराऊं कि सर्दियों में कराऊं। मेरे फ्रेंड्स या मेरे फैमिली मेंबर्स ये कहते हैं कि आप सर्दियों में करवाओ क्योंकि उसमें ज्यादा कंफर्टेबल हो आप। देखिए, मेरा ये मानना है कि सीजन का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है हेयर ट्रांसप्लांट को लेके, पर्टिकुलरली अगर आप अगले 3 दिन तक, ट्रांसप्लांट के बाद 3 दिनों तक आप एयर कंडीशन एनवायरमेंट में रह सकते हैं। तो आपके पास जब भी ऐसा कोई विंडो आए, ऐसा कोई टाइम आए जब आप 3 से 5 दिन घर में रिलैक्स कर सकते हैं, उस समय आप ट्रांसप्लांट कराएं, सीजन न देखें। क्योंकि बाहर क्या टेम्परेचर वेदर है उससे फर्क नहीं पड़ता, आपके रूम में क्या टेम्परेचर है उससे फर्क पड़ता है। तो सीजन का या मंथ का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपका वर्क आउटडोर एक्टिविटीज का है, आप कंस्ट्रक्शन में है या फील्ड में बहुत ज्यादा रहते हैं और आप 3 दिन ऑफ नहीं कर सकते, आपको 3रे या 4थे दिन ही अपने वर्क पे जाना है, तो आप विंटर प्रेफर करिए क्योंकि आप ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, क्योंकि वेदर कंडीशन ऐसी होगी उस समय जब आपको ज्यादा पसीना नहीं आएगा, ज्यादा इचिंग नहीं होगी, हीलिंग भी बेटर होगी। तो अगर आपका काम बहुत ज्यादा आउटडोर एक्टिविटी का है तो फिर आप विंटर चूज करें अपने ट्रांसप्लांट के लिए, क्योंकि फिर आप कैप भी पहन सकते हो विंटर्स में, गर्मियों में कैप पहनने से पसीना वगैरह आता है। तो पहले 4 से 5 दिन तो एटलीस्ट हमें केयर करनी पड़ती है ट्रांसप्लांट के लिए। तो अगर आपका काम बाहर का ज्यादा है तो आप विंटर चूज करें, और खासतौर से अगर आप बिल्कुल छुट्टी नहीं ले सकते अपने काम से। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आप 3 से 5 दिन छुट्टी ले सकते हैं या ऑफिस वर्क है, तो फिर आप कोई भी सीजन चूज कर सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट को लेके, इसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है।